अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाने के लिए एक लाइटवेट वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे थीम के बारे में जो बहुत ही लाइटवेट है और यूज़ करने के लिए भी आसानी है। तो हम जिस थीम के बारे में बात कर रहे हैं उस थीम का नाम है ऋषि थीम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये थीम बिल्कुल भी वेब कोर वाइटल ऑप्टिमाइज्ड है और लोड होने में भी बहुत ही फास्ट है। इसी के साथ ये थीम बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करती है, जिसको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट आसानी से बनवा सकते हो। तो इसके ज़्यादा फीचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेआउट की। तो जब आप ये थीम इंस्टॉल करोगे और इसका एक अफिलिएट का डेमो इम्पोर्ट करोगे तो इसका लेआउट कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। तो एक अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए जो चीज़ें हेल्पफुल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हम किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगी आपकी एक प्रोडक्ट इमेज, उसके बाद इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद इसके फीचर्स, और अगर कोई आपका जो प्रोडक्ट डाल के रखा है वो अगर परचेस करना चाहता है तो यहाँ पर एक अफिलिएट का जिसका अफिलिएट प्रोग्राम आपने डाल के रखा है उसका बटन। इसी के साथ प्रोडक्ट के और फीचर्स अगर रहेंगे तो वो फीचर्स यहाँ पर आएंगे, और प्रोडक्ट्स के और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हो। और सबसे मेन बात प्रोस और कॉन्स, ये हर अफिलिएट थीम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हो। और इसी के साथ इसका मेन एक फीचर्स आगे देखा जाए तो ये रहा, यहाँ पर आप प्रोडक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर कोई यूज़र किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके देखना चाहता है तो उसके लिए आप ऐसा इस तरह का एक सिंपल सा कंपैरिजन टेबल यहाँ पर आप रख सकते हो। इसके बाद आएगा कंक्लूजन और नीचे रिलेटेड पोस्ट। तो कुछ इस तरह का एक सिंपल सा लेआउट था अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो आप इस थीम को यूज़ करना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी फ्री है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑल फीचर्स पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो इन्होंने बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवा सकते हो। इसके बाद लाइटवेट थीम है और वेब कोर वाइटल ऑप्टिमाइज्ड है, और इसको यूज़ करने के लिए लेस देन 90 KB की ज़रूरत पड़ती है, और लोडिंग की बात की जाए तो एक बिल्कुल भी हाफ सेकेंड में लोड हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जेक्वेरी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए बहुत ही लाइटवेट थीम है। अगर आप किसी डेमो को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके लिए डेमो इंपोर्टर भी आपको दिया जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से डेमो इंपोर्ट करके उस थीम को यूज़ कर सकते हो। और कलरिंग की बात की जाए तो अनलिमिटेड कलर्स यहाँ पर दिए हैं इन्होंने, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो। इसी के साथ बहुत सारे फॉन्ट्स भी दिए हुए हैं, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप इस वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में रख सकते हो। साथ ही बहुत सारे हीडर्स ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसी के साथ आप अगर कोई हीडर्स कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और सबसे नीचे आएगा फुटर्स, तो फुटर्स भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने। अगर आप प्रीमियम यूज़ करते हो तो कुछ लिमिटेड फुटर्स मिलेंगे आपको, अगर आप पेड वर्जन लेते हो इसका तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 फुटर्स के ऑप्शन मिलेंगे आपको, और एलिमेंटर के साथ भी कंपेटिबल है। अगर आप और भी ज़्यादा फीचर्स के बारे में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके ऋषि थीम पर आके इसके फीचर्स के बारे में और ज़्यादा देख सकते हो। तो अभी इस थीम को इंस्टॉल करके इसे यूज़ कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस थीम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। अगर प्रीमियम यूज़ करना चाहते हो तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा आपके सामने, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर एक ईमेल डालना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करना है, और उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके पास एक मेल आएगा। तो
तो इसमें इसकी टोटल प्राइस दी हुई है इन्होंने जो कि है $0। यहाँ पर डेट भी दी हुई है और इसका ही परचेस आईडी दिया हुआ है इन्होंने थीम का। तो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दी हुई है इन्होंने, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें थीम इंस्टॉल करने के लिए थीम सेक्शन में जाना है। तो थीम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने जो थीम डाउनलोड की है वो यहाँ से हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल करके थीम को अपलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखी है थीम। तो ये रही हमारी थीम, यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी है, तो मैं इसे अभी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो हमारी थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर या इसेंशियल फीचर्स चाहते हो तो आपको ऋषि कैंपेन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया है, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। प्लगइन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल होके एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वेबसाइट बिल्कुल भी ब्लैंक है। तो इसके लिए हमें अपडेट का डेमो इंपोर्ट करना होगा। तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए हमें डीसी थीम के ऑप्शन ओपन करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यूजफुल प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूजफुल प्लगइन को क्लिक करने के बाद आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, एफिलिएक्स। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अभी आना है हमें स्टार्टर साइट पे। तो स्टार्टर साइट पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इंस्टॉल रिसीव स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है एफिलिएट। जैसे आप यहाँ पर एफिलिएट सर्च करोगे तो एक फ्री वाला लेआउट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा इंपोर्ट कंप्लीट साइट। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा। अगर आप अपनी प्रीवियस कुछ साइट पर डाटा है वो अगर डिलीट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे हमारा डेमो इंपोर्टिंग चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमारा डेमो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अगर लेआउट की बात की जाए तो डेमो इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा आपको। आप अगर इसमें कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर थीम में आपको कुछ कस्टमाइज़ करना है तो आपको ऋषि थीम वाले ऑप्शन पे जाना होगा। और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो चीज़ कस्टमाइज़ करनी है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। सपोज़ मुझे कलर चेंज करना है, इसका कलर सेटिंग चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर कलर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो गए मेरे सामने। तो अभी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कलर्स पर क्लिक किया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकता हूँ इस ऑप्शन से। तो हम रेगुलर वर्डप्रेस कस्टमाइज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको अफिलिएट से रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आपको अफिलिएट्स ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपको। आपको जो चीज़ कस्टमाइज़ करनी है वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप इस थीम की डिटेल में कस्टमाइजेशन चाहते हो तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।